स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में, और आज हम आपको धर्मगिरी चित्रकूट की एक ऐसी विरासत के दर्शन कराने वाले हैं जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज भी अगर आपको सच्चरित्र रहकर मानवता के पथ पर चलना है तो आपको श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना पड़ेगा और उस पर लिखे एक एक पंक्तियाँ हमारे गोस्वामी जी, जो कि राजापुर की इसी धरती में, आज मैं राजापुर में हूँ और राजापुर की इसी धरती में वो पैदा हुए थे, और गुरु जी एक एक जो हिस्सा है इस रामचरितमानस का जो यहाँ पे रखा हुआ है, सजीव प्रतियाँ हैं, उसको अभी कुछ ही समय में हमारे सामने आएगी। गुरु जी आप कुछ बता रहे थे। ये रामचरितमानस जो है एक कांड बचा है, अयोध्या कांड। तुलसीदास जी महाराज जी 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया था और 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। इसमें एक कांड मात्र बचा है, मूल प्रति में एक कांड है। पहले सातों कांड थी, हमारे पूर्वज लोग तो पुजारी रखते थे, हम लोग तो माफीदार जमींदार। अकबर ने तुलसी को ये हाट घाट बाट की मुआफ़ी दिया था, उसमें साफ लिखा था मेरे बाद किसी का भी राज्य आवे तो उसे छीनने का अधिकार नहीं है। समय के अनुसार नहीं रहा, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेज़ों के टाइम के, सील मुहर सहित सब मेरे यहाँ सुरक्षित हैं। तो ये माफीदार थे, एक ब्राह्मण रखते थे, उसको पूजा करता था, खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ भेंट मिलता था पूर्वज लोग लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। भेजे हुए आदमी वहाँ पहुँच गए, पहचान गए, मल्लाह को डांट के आवाज़ दिया, आवाज़ को पहचान करके मारे डर के उसने गंगा में फेंक दिया था। कूद के चला गया, ना वापस आई, लोगों ने बताया, ले कुछ नहीं गया, एक गट्ठर था उसको फेंक दिया। तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल डलवा के निकलवाया, मिला सब था, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड गल गए थे, मूल प्रति में एक कांड बचा है। इसके पहले इसके लाखों करोड़ों प्रतियाँ हो गई थी, तो वही एक कांड है, उसी का दर्शन है। बाकी ये सब नए झोले हैं भारत सरकार के। कानपुर के रामशंकर बही वालों ने 1980 में इस पर कवर लगाया। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है ये कानपुर वालों का है, इसकी मोटाई दुगनी हो गई है। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है, ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। इसमें लिपि का अंतर है, 500 वर्ष के अक्षरों में और अब में परिवर्तन है। तुलसीदास जी महाराज ये देखिए, ये उनकी हैंड राइटिंग है, पांडुलिपि। ये देखिए आप, हमारे पूज्य गोस्वामी जी के हाथों से लिखी गई जो रामचरितमानस थी उसके आप जीवंत दर्शन कर रहे हैं। ये इस समय कलयुग में
इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि एक कोई मानव दस्तावेज है जो मानव को मोक्ष के रास्ते ले जाता है एक सच्चरित्र जीवन के रूप में। किस तरीके से यहाँ इसमें भाषा लिखी हुई है, क्या अंतर? इसमें लिपि का अंतर है, शब्द वही हैं, दोहा चौपाइयाँ सब वही हैं, ये 15 अक्षर बदल गए तुलसी के समय से अब तक में, ये 15 बदले। ये 15 लिपि तो वही देवनागरी है, भाषा जो है हम तुलसी ने लिखा है अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। भाषा बद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जे हुए। अब हमारी भाषा बाहरी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। चित्रकूट की बुंदेलखंड की भाषा है अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा, तीनों का सम्मिश्रण है। रामचरितमानस में अधिकांश तीनों भाषाओं का सम्मिश्रण है। भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका प्रयोग बाबा ने ना किया हो। तो ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह है ये 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं, अब ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे जो तुलसी के समय में थे। ये कागज है, ये आ, ये ऐ और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ आज। आप पढ़े हैं, जानते हैं, बाबा जी वगैरह आपके सब यही लिखे हैं। आप लोग चारों इधर के लिखते हैं, ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे, मैंने इन्हीं को सीखा है, आपके सीखते सीखते बंद हो गए। ये सा षटकोण या खा खटकोण और ये रा, ये वाला रा छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। तो 6 अक्षर इधर के हम जानते हैं, बाकी नहीं जानते, बाकी इधर के लिखते हैं। तो इसमें ये अक्षर मिलेंगे, इन अक्षरों का प्रयोग कीजिए तो पढ़ने में आएगा। लिपि देवनागरी है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है, आपके बारे में ही लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के राजापुर निवासी प्रथम से गणपत राम के वंशज, आज भी तुलसी जन्म कुटीर और मानस मंदिर में पुजारी, ऐसा। हाँ, देखिए ये वंशावली डाली गई। तुलसीदास जी महाराज तो दुबे थे। अच्छा, हाँ हाँ, आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था। हाँ हाँ, माता पिता की पहली संतान पैदा हुए माँ नहीं रही, भाई बहन होने कोई औचित्य नहीं है। शादी हुई 29 साल की आयु में, वेद पुराणों का अध्ययन करके ये आए थे, तब इनकी शादी उस पार हुई और पत्नी की फटकार मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं, स्त्रीत्व भाव ही समाप्त हो गया है। तो उस वंश में कोई नहीं, शिष्य वंश चला है, तुलसीदास जी का शिष्य वंश गणपत राम जी, इनके एक लड़का, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंदुराम दो भाई, ये लाइन ही एक एक की है, हनुमान भैरव विश्राम मुन्नीलाल जी, इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, ये बहन भाई थी, इनके बहन हो गई। अब मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, ना भाई है ना बहन है मेरे तक। ये 11 पीढ़ियाँ बीती एक एक की, अब मेरा परिवार आगे बढ़ा और खूब बढ़ा, और एक भाई में सब लोग हैं। अकबर ने जो हाट घाट की मुआफ़ी दी, उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ये जीरोक्स हैं, ये दुर्लभ सात संख्या 1। ये चित्र में तुलसीदास जी बैठे, अकबर बैठा, बीरबल खड़ा है, यमुना बह रही है। बहुत पुराना चित्र है, पढ़ने में नहीं आता। 400 वर्ष पुराना है। हाँ, लगभग। ये शाही मुहर लगी है, बादशाह आलमगीर, आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है, ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको मिलता चला जाए। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदू पतिजू देव का, इसमें या और वाह के नीचे बिंदी मिलेगी। जिस लेख में आवा के नीचे बिंदी, वो 250 वर्ष से पहले का है। माघ सुदी छठ संबद 1812 मुकामशोनी, 1812 का है, आज 2081 है। ये अंग्रेजों के टाइम का है, 2 सितंबर 1846 का है। ये सब उसमें। और ये पुस्तक भी आप लोग देख सकते हैं, जो गोस्वामी जी की जन्मभूमि पे शोध समीक्षा है, राम गणेश पांडे जी जो कि शिक्षक रहे हैं अभी भी, हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं गोस्वामी जी के विषय में तो ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी कुछ खास, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है दस्तावेज। आपने पूछा किस में लिखा? हाँ हाँ,
तुलसीदास जी ने कागज में लिखा भैया, भोजपत्र में नहीं लिखा, बहुत ध्यान दीजिएगा, कागज में लिखा, कागज में लिखा है छठवीं से आठवीं तक ताम्र पत्र चला है, तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे, आठवीं से दसवीं तक ताड़ पत्र चला है और दसवीं से बारहवीं तक भोज पत्र चला है, तेरहवीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है, भारत में चौदहवीं में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे, हमारे यहाँ आज भी कालपी में हैंडमेड पेपर बन रहा है, और तुलसीदास जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे 1631 में, कागज बनने के 400 वर्ष बाद। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे, कबीर ने कहा है मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, आप लोग पढ़े हैं कि कागज से आई छुआ नहीं हाथ से कलम पकड़ी नहीं, तो कागज तो था। कबीर बोलते हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं लेखन सब बन राय और धरती को कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु का गुणान बाल लिखने में नहीं आएगा, चाहे मैं पूरी पृथ्वी को कागज बना डालूं, तो कागज था। तुलसी लिख रहे हैं मैं कागज पर लिख रहा हूं, सब छोड़ो, मानस बालकान दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे और सत्य कहाऊं लिख कागद कागद कोरे, हमारे बुंदेलखंड में कागद कहते हैं, ले आओ सादा कागज में लिखे देते हूँ कि बात सही आए, अपनी भाषा में कबीर ने कागज कहा है, फारसी शब्द है, तुलसी कागज कहते हैं, बुंदेलखंड की भाषा है। ये देखिए दर्शन करिए आप सभी लोग, और कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और मौजूदा समय में विश्व की यही एक धरोहर है जो जीवित अवस्था में आप देख पा रहे हैं, और इस दस्तावेज के लिए शब्द बहुत अधिक नहीं है, तो आप दर्शन करिए और हम भी कोशिश करते हैं, अगर अनुमति होगी तो हमें प्राप्त हो जाए इस अनुमति, ये भी ये अपनी आप में मतलब एक वो है, कोई भी एक जो है देख सकते हैं आप, मतलब मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, गोस्वामी जी के लेखक का लिखा जो जीवंत दस्तावेज है वो मेरे हाथों में है, और आप सभी लोग अंदाज़ा लगाइए कि इसको हाथ में रखते ही जो भाव हैं उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि हमें ऐसे दस्तावेज, पहली बात तो ऐसे दस्तावेज का अपमान नहीं करना चाहिए श्री रामचरित मानस का, जो लोग ऐसे राक्षस हैं, पाखंडी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने बच्चे को, हमें हर व्यक्ति को घरों में इसका अध्ययन फिर से शुरू कराना चाहिए, और इस पर लिखे लिखे एक एक शब्द जो भी भगवान राम के लिए लिखे गए हैं, मानव जाति के लिए लिखे गए हैं, उसका हमें मनन करना चाहिए और अपने जो हमारा जीवन है उस पर आत्मार्पित करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद ग्राउंड जीरो देखने के लिए आपका।